कौन कौन प्रेजेंट है बेटा, जल्दी से अटेंडेंस भेजो। खुशी गुड मॉर्निंग बेटा। खुशी कौशिक गुड मॉर्निंग बेटा। पूजा गुड मॉर्निंग बेटा। खुशी काद्यान गुड मॉर्निंग बेटा। रितेश गुड मॉर्निंग बेटा। कोमल गुड मॉर्निंग बेटा। अंशु गुड मॉर्निंग बेटा। मोहित शर्मा बेटा बीच बीच में कहाँ गायब हो जाते हो। गुड मॉर्निंग बेटा। सेहत ठीक होगी। सरोज गुड मॉर्निंग बेटा। मोहित जांगड़ा गुड मॉर्निंग बेटा। मोहित कहाँ गायब हो जाते बेटा बीच में। खुशी आई एम फाइन बेटा। काजल गुड मॉर्निंग बेटा। ओके बेटा। खुशी आई एम फाइन बेटा। फीलिंग बेटर नाउ। यस बेटा। दीक्षु गुड मॉर्निंग बेटा। 11th क्लास बायोलॉजी। वी वर कंटिन्यू विद आवर चैप्टर 5 दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक किया था बेटा। व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक। We have completed the fruit. If any student have any doubt, yes, beta, any doubt? Okay, so let's continue with next topic, that is next part is the seed. Fruit was the ripened ovary. Jyoti, good morning beta. Seed was a mature ovule. Seed was a mature ovule formed after fertilization. Fertilization, after fertilization, ovule mature into seed. When fruit
इवन दो ओवेरी आल्सो डेवलप इनटू फ्रूट विद आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बट इफ ओवेरी डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन द फिनोमिना इज कॉल्ड एज, यस बेटा उस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, व्हेन ओवेरी डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। विवेक गुड मॉर्निंग बेटा, यस बेटा इफ ओव्यूल डेवलप इनटू या ओवेरी डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन द फिनोमिना इज नोन एज, बिल्कुल ठीक बेटा, पार्थेनोकार्पी। ठीक है, सिमिलरली व्हेन सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्टिक सीड एंड फिनोमिना इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। When ovary develop into fruit without fertilization, that was parthenocarpic fruit. Or when seeds are developed without fertilization, अगर seeds का formation बिना fertilization के हो जाए, these seeds are called as apomictic seeds. उन्हें apomictic seed बोल दिया जाता है बेटा, ठीक है? And the phenomena is called as apomixis. Phenomena बोलते हैं apomixis. Clear बेटा? A seed consists of seed have two parts, seed coat and embryo. Seed coat have two layer, outer testa, inner tegmen. Outer testa, inner tegmen. Embryo also have two parts, cotyledon. Monocot में one cotyledon होगा, dicot में दो कोटाइलेडोन होंगे बेटा, एंड एम्ब्रियोनिल और एम्ब्रियोनिक एक्सिस। ठीक बेटा, और एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है प्लूमुले टू रेडिकल, प्लूमुले टू रेडिकल, प्लूमुले से रेडिकल तक एक एक्सिस जो होगा दैट इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस, और उस एम्ब्रियोनल एक्सिस पे ही अटैच होंगे कोटाइलेडोन। ठीक है, आई बात समझ में? तो सीड जो है, ये सीड किस किस से मिलकर बना है, सीड कोट से मिलकर बना है और एम्ब्रियो से मिलकर बना है। ठीक है, देखें कभी ये कंपोनेंट आपने। हाँ बेटा, क्या ये कंपोनेंट देखे हैं आपने? सीड कोट, ग्राम सीड देखा है, तना, उस तने के ऊपर यहां पे एक स्कार होता है जहां पे प्लेसेंटा जुड़ी होती है, इस स्कार को बोलते हैं हाइलम।
और इस कार से ऊपर की तरफ यहाँ पे एक छेद होता है, पोर होता है, उस पोर को बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, और इसके ऊपर ब्राउन कलर की कवरिंग होती है, सीड इज कवर्ड, ब्राउन कलर की कवरिंग होती है ना बेटा, वो ब्राउन कलर की कवरिंग जो है वही क्या है, सीड कोट। ठीक है, आई बात समझ में। यदि सीड कोट को हटा देंगे तो अंदर क्या निकलेगा, एक तो जो ये टिप है यहां पे तो रेडिकल होता है, एक ये वाला राइट पार्ट निकलता है ऐसा, ये दूसरा लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, इन दोनों लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोटाइलेडोन। ये रेडिकल और इन कोटाइलेडोन के बीच में जो है प्रेजेंट होता है प्लूमुले। ठीक है, देखते हैं बेटा एक बार, देखो बेटा सीड से पहले ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझो एक बार। ये ओव्यूल है, ठीक है, जो सीड में डेवलप होता है बेटा। इस ओव्यूल पे ये है आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, और ये है इनर इंटेग्यूमेंट। और ये जो ओपनिंग है इसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। जो ये स्टाक है ये जो प्लेसेंटा के साथ अटैच होगी, ओव्यूल जो है वो ओवेरी में प्लेसेंटा के साथ अटैच होते हैं बेटा, प्लेसेंटा के साथ अटैच होने वाली जो स्टाक है इस स्टाक को बोलते हैं फनिकल। ठीक है, और ये स्टाक एक तरफ से तो प्लेसेंटा के साथ अटैच होती है, दूसरी तरफ से ये ओव्यूल बॉडी के साथ अटैच होती है, जहां पे ओव्यूल बॉडी के साथ अटैच होगी उसे बोलेंगे हाइलम। क्लियर है बेटा? ठीक है, और जो ये ओव्यूल है इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है न्यूसेलस सेल्स, और न्यूसेलस से अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। क्या होगा बेटा? एम्ब्रियो सैक, सैक का मतलब होता है थैला, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप होगा वो एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट होता है, इसमें 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। कितनी सेल होंगी? 7। 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिल सेल, 1 एग सेल, 3 और 3 6, और बीच में रह गई एक लार्ज सेंट्रल सेल, 7 सेल हो गई। लार्ज सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस कितने हो गए? 8। इन 6 में तो 6 न्यूक्लियस और 7वीं सेल में 2 न्यूक्लियस, तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक होता है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। ठीक है, जो पोलन ट्यूब आती है बेटा, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब डेवलप होके आएगी। पोलन ट्यूब जो है उसके अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं बेटा। कितने मेल गैमेट होते हैं? 2। वो पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर करके अपने दोनों मेल गैमेट को किसी एक सिनर्जिक सेल में छोड़ देगी। ठीक है, एक पोलन ग्रेन से एक पोलन ग्रेन में कितने मेल गैमेट होंगे? 2 मेल गैमेट होंगे बेटा। ठीक है, फर्स्ट मेल गैमेट जो होगा, फर्स्ट
मेल गैमिट वो फ्यूज हो जाएगा इस एग सेल के साथ, जो एग है ना फीमेल गैमिट इसके साथ प्लस एग सेल, इससे बन जाएगा जाइगोट, इसे बोलते हैं सिनगैमी। फर्स्ट मेल गैमिट फ्यूज विद एग सेल टू फॉर्म जाइगोट, इट इज कॉल्ड सिनगैमी। ठीक है, सिन का मतलब होता है फ्यूजन और गैमी का मतलब होता है गैमेट्स का। ठीक है, तो मेल गैमिट फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज हो गया, उसे क्या बन गया जाइगोट। क्लियर है बेटा? ठीक है, रह गया दूसरा मेल गैमिट। दूसरे मेल गैमिट का क्या होगा बेटा? सेकेंड मेल गैमिट फ्यूज विद टू पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल के न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, ये जो दो न्यूक्लियस हैं, ठीक है, दूसरा मेल गैमिट इनके साथ फ्यूज हो जाएगा। और इसमें दो तो सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस, एक मेल गैमिट का न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस फ्यूज हुए, इसलिए इसे क्या बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, क्लियर है बेटा? और ट्रिपल फ्यूजन से यहां पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा एंडोस्पर्म। क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। ठीक है, यानी तब ये सिनर्जिक सेल भी डीजनरेट हो जाएंगी, एंटीपोडल सेल भी डीजनरेट हो जाएंगी, इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे उन न्यूट्रिएंट्स को लेकर, ठीक है, हाँ बेटा मैंने ये सभी दिखाए थे, एक बार फिर दिखाएंगे, यही आएंगे बेटा प्लस टू क्लास तक, यही आएंगे प्लस टू क्लास में, फिर आएंगे ये दोबारा से, बेशरमा बार बार आते रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेल गैमेट तो एग सेल के साथ फ्यूज हो गया, यहाँ पे क्या बना दिया जाइगोट। ठीक है, सेकेंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलके क्या बना दिया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उससे ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गई, और ये सेल डिवाइड करते करते यहाँ पे क्या बन गया एंडोस्पर्म बन गया। इस एंडोस्पर्म का काम क्या होता है कि ये फूड को स्टोर करके रखता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जाइगोट को जब जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है। यानी दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार सिंगेली एक बार ट्रिपल फ्यूजन, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन इज ए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्लावरिंग प्लांट की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो वो है डबल फर्टिलाइजेशन। और इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला गया, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट में एक पोलन ग्रेन जो है वो दो मेल गैमेट रिलीज करेगा एम्ब्रियो सैक में, एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा एग सेल के साथ जाइगोट बनाएगा, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होगा दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ और एंडोस्पर्म बनाएगा। जाइगोट जो है ये जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, जाइगोट से क्या डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो। और जब एक सेल मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में डेवलप होगी तो सेल डिवीजन के लिए उसे क्या चाहिए न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम किसका होगा एंडोस्पर्म का। क्लियर है बेटा? आई बात समझ में? डबल फर्टिलाइजेशन का फायदा क्या है, सिंगेली से तो जाइगोट बनेगा और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा एंडोस्पर्म। ठीक है, जाइगोट से डेवलप होगा एम्ब्रियो और उस एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराएगा बेटा एंडोस्पर्म। ठीक है, यहां तक कोई डाउट बेटा किसी बच्चे का? नहीं ना? तो देखो इस जाइगोट से तो एम्ब्रियो डेवलप होगा, यहां अंदर तो क्या डेवलप हो गया एम्ब्रियो, ये न्यू सेल्स भी डीजनरेट हो जाती हैं और यहां अंदर क्या बन जाता है एम्ब्रियो, यहां तो एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, और जो ये इंटेग्यूमेंट्स थी ये क्या बना देंगी सीड कोट बना देंगी, सीड की कवरिंग बना देंगी इंटेग्यूमेंट से, तो क्या बन जाएगी सीड कोट। आउटर इंटेग्यूमेंट से टेस्टा बन जाएगा, इनर इंटेग्यूमेंट से क्या बन जाएगा बेटा टेगमेन। क्लियर है?
ठीक है। इस प्रकार फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किसमें डेवलप हो गया, सीड में डेवलप हो गया, ठीक है। अब दो कंडीशन आएंगी, एक कंडीशन तो क्या आएगी बेटा कि अगर जाइगोट जब एम्ब्रियो में डेवलप हो और सारा एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो जाए, क्योंकि जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा तो फूड कहाँ से लेगा, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेगा, एंडोस्पर्म से। अगर इस दौरान ये जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होने तक सारे एंडोस्पर्म को यूटिलाइज कर दे, कोई रेजिड्यूअल एंडोस्पर्म सीड में रहे ही ना, बाकी ना रहे, तो उन्हें बोलते हैं नॉन अल्बुमिनस सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या जिनके अंदर कोई एंडोस्पर्म नहीं रहा। क्लियर है बेटा? और अगर ऐसा हो जाए कि जाइगोट से जब एम्ब्रियो डेवलप हो तो कुछ अमाउंट में एंडोस्पर्म भी सीड के अंदर रह जाए, सारा यूटिलाइज ना हो, अगर कुछ एंडोस्पर्म रह गया एम्ब्रियोजिनेसिस के बाद भी, तो उसे बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड और द अल्बुमिनस सीड। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो यहां पे सीड दो प्रकार के बने। अल्बुमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड। दोज सीड विच हैव रेजिड्यूअल एंडोस्पर्म आफ्टर एम्ब्रियोजिनेसिस, एम्ब्रियोजिनेसिस के बाद यानी एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद भी अगर एंडोस्पर्म रह जाए तो उसे क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड। फॉर एग्जाम्पल मोनोकोट सीड्स लाइक मेज, वीट, राइस एक्सेट्रा, ठीक है। और कुछ डाइकोट सीड भी हैं, कुछ एक्सेप्शन है डाइकोट सीड के, जैसे कैस्टर, अरंड। कैस्टर जो है ये एक डाइकोट है, वैसे जर्नली डाइकोट जो हैं वो कैसे होते हैं, नॉन अल्बुमिनस होंगे, उनके अंदर रेजिड्यूल एंडोस्पर्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी कैस्टर एक डाइकोट होते हुए भी कैसा है, अल्बुमिनस, इसके अंदर फिर भी रेजिड्यूल एंडोस्पर्म रह जाता है, ठीक है। पूछ लिया जाए किसी एक डाइकोट सीड का एग्जांपल दो जो अल्बुमिनस है, तो वो कौन सा है, कैस्टर। क्लियर है? दूसरा आ जाता है नॉन अल्बुमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। सीड विच डू नॉट हैव रेजिड्यूअल एंडोस्पर्म, वो सीड जिसमें रेजिड्यूअल एंडोस्पर्म नहीं है उसे क्या बोलेंगे, नॉन अल्बुमिनस सीड। यानी होल एंडोस्पर्म इज यूज यूटिलाइज ड्यूरिंग एम्ब्रियोजिनेसिस, होल एंडोस्पर्म यूटिलाइज ड्यूरिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में ही पूरा एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डाइकोट सीड्स सच एज ग्राम, पी, आलमंड, ग्राउंडनट एक्सेट्रा, ये सभी कैसे हैं, नॉन अल्बुमिनस है। क्लियर है?
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटाइलेडॉन, कि नंबर ऑफ कोटाइलेडॉन कितने हैं, उसके बेसिस पे सीड्स को दो प्रकार से फिर क्लासिफाई कर दिया गया, मोनोकोट सीड एंड डाइकोट सीड, मोनोकोट सीड एंड डाइकोट सीड। मोनोकोट सीड है वो सिंगल कोटाइलेडॉन ऑन एम्ब्रियो, इसके एम्ब्रियो पे एक कोटाइलेडॉन होगा। डाइकोट है वो टू कोटाइलेडॉन ऑन एम्ब्रियो, इस पे दो कोटाइलेडॉन होंगे। मोनोकोट सीड कैसे होंगे, अल्बुमिनस, ये कैसे होंगे बेटा, नॉन अल्बुमिनस होंगे, यानी इनमें रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होगा, इनमें रेजिडुअल एंडोस्पर्म होगा। ठीक है, देखो बेटा, अगर मोनोकोट सीड का मैं एग्जांपल लेता हूं तो हम मेज सीड, ये मेज कॉर्न वो ले लिया बेटा, इस पे यहां तो हो गया एम्ब्रियो, ये जो है ये है कोटाइलेडॉन, एक कोटाइलेडॉन है एम्ब्रियो पे, देखो ये है प्लूमुले और ये है रेडिकल, प्लूमुले होता है फ्यूचर शूट इन एम्ब्रियो और रेडिकल होती है बेटा फ्यूचर रूट, यानी जब ये सीड जर्मिनेट करेगा तो रूट किससे डेवलप होगी, रेडिकल से, और प्लूमुले किससे डेवलप, सॉरी शूट किससे डेवलप होगा, प्लूमुले से। क्लियर है बेटा, प्लूमुले से लेकर रेडिकल तक जो ये एक एक्सिस है इसे बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस पे प्रेजेंट है कोटाइलेडॉन, तो इस पे एक कोटाइलेडॉन है तो इसे क्या बोलेंगे, मोनोकोट, जो ये एक कोटाइलेडॉन है इसे बोलते हैं सेकुटेंडम, इस अकेले एक कोटाइलेडॉन को क्या बोल रहे हैं, सेकुटेंडम। क्लियर है, ठीक है, इस एम्ब्रियो, एम्ब्रियो तो हो गया यहां तक, ये बाकी क्या रह गया इसमें, इस एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से सेपरेट करने वाली जो लेयर होगी, इस लेयर को तो बोलते हैं एलुरोन लेयर, क्या बोलेंगे इसे, एलुरोन लेयर, ये एंडोस्पर्म का पार्ट होती है, और ये वाला जो रह गया ये रह गया एंडोस्पर्म, ठीक है ना, यानी एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद भी रेजिडुअल एंडोस्पर्म अगर सीड के अंदर रह रहा है तो वो कैसा होगा, अल्बुमिनस। क्लियर है, और ये क्या हो गया इसका, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है, प्लूमुले से रेडिकल तक का पार्ट, ठीक है, क्लियर बेटा, समझ आया यहां तक, इस एम्ब्रियो को मैं अलग से निकाल के डायग्राम बना देता हूं, और आपसे पूछ लिया जाए कि मेज सीड में एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट करने वाली लेयर कौन सी है, एलुरोन लेयर, ये होगा बेटा, ये है कोटाइलेडॉन, एक कोटाइलेडॉन है इसलिए मोनोकोट बोलते हैं, ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये प्लूमुले, ये रेडिकल, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस पे जहां पे कोटाइलेडॉन अटैच है इससे ऊपर का एम्ब्रियोनल एक्सिस यानी इसके और प्लूमुले के बीच का जो पार्ट है उसे बोलते हैं एपिकोटाइल,
और एम्ब्रियोनल एक्सिस पे जहाँ पे कोटाइलेडोन अटैच है उसके और रेडिकल के बीच का जो पार्ट है उसे बोलते हैं हाइपोकोटाइल, हाइपो का मतलब होता है नीचे, एम्ब्रियोनल एक्सिस पे द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटाइलेडोन टू द रेडिकल द एम्ब्रियोनल एक्सिस इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। कोटाइलेडोन से रेडिकल के बीच का जो एम्ब्रियोनल एक्सिस रह गया उसे क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। एंड द एम्ब्रियोनल रीजन बिटवीन लेवल ऑफ कोटाइलेडोन टू द लुमुले उसे क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल। क्लियर है, लुमुले से लेकर रेडिकल तक का जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या क्या आ गया, लुमुले आ गया, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और रेडिकल। एक क्या होगा इस पे, कोटाइलेडोन। इस कोटाइलेडोन का काम क्या होता है, कोटाइलेडोन का काम होता है फूड को स्टोर करके रखना। ये भी फूड को स्टोर करके रखता है, कब तक, जब ये सीड जर्मिनेट होगा ना, जब इस बीज को हम बो देंगे और इस प्लूमुले से तो शूट डेवलप होना शुरू होगा, जो मिट्टी से बाहर निकल के आएगा इससे रूट डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो जब तक ये शूट आएगा जमीन से ऊपर आके ये फोटोसिंथेसिस करने के कैपेबल ना हो जाए, अपना फूड बनाने के कैपेबल ना हो जाए, तब तक फूड को स्टोर करके रखने का काम किसका होता है बेटा, कोटाइलेडोन का। क्लियर है, इज इट क्लियर बेटा। रितु गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है। अब दूसरा आता है डाइकोट सीड। अब डाइकोट सीड का भी डायग्राम देख लेते हैं बेटा, मेज का ही ले लेते हैं, सॉरी ग्राम सीड। ये तो हो गया स्कार, इस स्कार से ऊपर यहाँ पे जो छेद होता है वो होता है माइक्रोपाइल। इस स्कार को क्या बोलते हैं, हाइलम। ये सीड कोट है, ठीक है। सीड कोट को हटाएंगे और इसे खोलेंगे, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, इस पे जो है वो तो है सीड कोट। ये है रेडिकल, ठीक है, ये है हाइलम और ये क्या है, माइक्रोपाइल। इसको अगर सीड कोट को हटाने के बाद खोलेंगे तो दो तो ये कोटाइलेडोन आ जाएंगे बेटा, ठीक है। ये वाला हिस्सा है ये ऊपर रह जाएगा, या फिर इसे हम यू खोलते हैं यू, तो ये वाला हिस्सा नीचे आ गया और इन सीड को, इन दोनों कोटाइलेडोन को यूं खोल दिया। यूं खोलेंगे तो ये वाला इस तरफ चला गया, ये वाला इस तरफ आ गया, ये नीचे की तरफ आ गया और इन कोटाइलेडोन के बीच में जो प्लूमुले था वो ऊपर चला गया। तो ये हो गया प्लूमुले, ये क्या हो गया, रेडिकल। ये दोनों क्या हैं, कोटाइलेडोन। तो कितने कोटाइलेडोन हैं, दो हैं, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसे, डाइकोट। प्लूमुले से रेडिकल तक जो है ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। लेवल ऑफ कोटाइलेडोन से प्लूमुले के बीच का पार्ट क्या है, एपिकोटाइल, ठीक है। रेडिकल और लेवल ऑफ कोटाइलेडोन के बीच का पार्ट जो है ये कौन सा है, हाइपोकोटाइल। क्लियर है बेटा। तो इस सीड के अंदर एम्ब्रियो के अलावा कोई रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं है, एंडोस्पर्म नहीं है तो ये कैसा है, नॉन अल्बुमिनस। क्लियर है बेटा, क्लियर है। मोनोकोट और डाइकोट के एम्ब्रियो में भी क्या डिफरेंस है,
इसमें तो एक कोटाइलेडोन है जिसे सेकोटाइलम बोलेंगे, इसमें दो कोटाइलेडोन है, ठीक है, आई बात समझ में, एम्ब्रियो में। दूसरा क्या फर्क होता है कि इसका जो ये प्लूमुले है ना, इस प्लूमुले के ऊपर एक शीत होती है जिसे बोलते हैं कोलियोप्टाइल। इसी प्रकार रेडिकल के ऊपर भी एक शीत होती है, रेडिकल पे जो कवरिंग शीत होगी उसे क्या बोलेंगे, कोलियोरिजा। रिजा का मतलब होता है रूट, ट्राइकोट पे नहीं होते, सिंपल है बेटा। ठीक है बेटा, यहां तक करना। ठीक है बेटा, इनफ फॉर टुडे। बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा। एक काम करना, चना जो है वो भिगो देना, चने को भिगो देना और अपने पास रख लेना, मैं बता दूंगा बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास लगेगी। ओके बेटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।